आज इस कथा की तो मैं शिवराज निकला तो यहाँ पे आ गई तुम। मिस्टर गरवाल, उस दिन आपने कहा था ना कि अगर तुम्हारा बच्चा सच में भी बीमार होता तो भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। आपको लगता है कि मेरा बच्चा बीमार ही नहीं है? आप ना माँ से, I mean, मिसेस गरवाल से पूछिएगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी शर्म, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा स्टाफ देख रहा है, शर्म करो। नहीं नहीं आती है मुझे शर्म, हाथ जोड़ रही हूँ, आपसे भीख मांग रही हूँ। 8 साल का बच्चा बहुत बीमार है, आईसीयू में है, अगर उसका ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ ना वो मर जाएगा। खबरदार, तमाशा नहीं चाहिए मुझे। पापा चलो। मिस्टर गरवाल, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए ना मिस्टर गरवाल, आप खुद चल के देख लीजिए, हर दरवाजा खटखटाया मैंने, कोई बैंक एनजीओ फंडरेजर कुछ नहीं छोड़ा, अपने ऑफिस में लोन मांगा है लेकिन कोई मुझे 1 करोड़ का लोन देने को तैयार ही नहीं है। 2 साल के बाद हमें डोनर मिला है, उसको ऑपरेशन के लिए यूएस के डॉक्टर्स की टीम को आना होगा। अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती, प्लीज मेरी मदद करिए, मेरी नहीं आरव की, उस बच्चे ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना, अगर टाइम पे पैसा नहीं मिला तो यूएस से वो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, मेरा बच्चा आईसीयू में है, बेहोश पड़ा है, आज अगर आपने हमारी मदद नहीं की ना तो मेरा बच्चा वापस घर नहीं आ पाएगा। मेरा बेटा भी घर वापस नहीं आया था, मैंने भी अपना बेटा खोया सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ एक तुम थी जो उसे बचा सकती थी, बचाया तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखो। प्लीज प्लीज मिस्टर गरवाल, आरव के अलावा ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ, लेकिन बार बार यहां मत आओ। अरे बाबा, हर किसी को एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ। कथा जी, संजीव जी, ऑल ओके? आपने यहां कैसे बुलाया? आप बैठिए ना जी। चाय? हाँ। वो आज इंश्योरेंस प्रीमियम भरने का मैसेज आया था ना, तो मैं इधर से ही गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं, कुछ पूछना था। नई पॉलिसी लेनी है आपको? हाँ, नई पॉलिसी भी लेनी है लेकिन अब पुरानी वाली के बारे में कुछ जानना था। पूछिए, क्या पूछना है?
वो ना एक मेरी फ्रेंड है, उसके पास भी यही सेम पॉलिसी है, तो वो जानना चाहती थी कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे को 2 करोड़ मिलेगा ना। बच्चा नॉमिनी है? हस्बैंड, फादर, मदर, कोई और नॉमिनी? तो फिर मिलेंगे ना बच्चे को पूरे पैसे? संजीव जी, वो एक्चुअली उसका बच्चा ना टर्मिनली इल है, तो इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, बस यही एक इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके पास। मतलब हम दोनों दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि कितनी अजीब सी सिचुएशन है, बच्चे के इलाज के पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन अगर वो मर जाए तो अपने बच्चे की जान बचा सकती है। वो उसका ना कल एक्सीडेंट होते होते बचा, तो उसने मुझसे एकदम से पूछा कि अगर उसे कुछ हो जाता तो ये इंश्योरेंस का जो पैसा है ये कब तक मिल जाता उसके बच्चे को। कथा जी, आप प्लीज उन्हें ये बताइएगा कि अगर डेथ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में होती है तब तो नॉमिनी को पूरे पैसे कुछ ही दिनों में मिल जाते, लेकिन अगर डेथ अननेचुरल हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी को जरा भी शक हो जाए कि डेथ अननेचुरल है, जैसे सुसाइड या मर्डर, तो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। और आपकी दोस्त हैं तो समझदारी होंगी, उन्हें तो पता ही होगा हमारे देश में इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लग जाता है, और तब तक ना कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और अगर ये साबित हो जाए कि डेथ अननेचुरल थी तो पॉलिसी जो है इमीडिएटली नल एंड वॉइड हो जाती। लेकिन अगर एक्सीडेंट को तो? प्लान्ड एक्सीडेंट को तो सुसाइड कहते हैं ना कथा जी। मैं तो बस पूछ रही हूँ। कोई ट्रेन के सामने कूद गया या फिर पांव फिसल गया, ये कौन बताएगा? और एक्सीडेंट और सुसाइड में ना बहुत बहुत ही थिन लाइन होती है, और अगर इंश्योरेंस कंपनी को जरा भी शक हो गया तो मेरा मतलब है आपकी फ्रेंड को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कथा जी, ये इंश्योरेंस कंपनी ना उस बच्चे से सारे पैसे छीने या ना छीने, लेकिन ये एक्सीडेंट उससे उसके जीने का इकलौता सहारा जरूर छीन लेगा। उसकी माँ, मैडम मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचता हूँ, एक बात कहूँ आपसे दिल से, बड़े ही बदकिस्मत लोग होते हैं वो जिन्हें इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। मैं चलता हूँ कथा जी। मलाड से वो शॉर्टकट है ना सिटी हॉस्पिटल का, वहां से ले लीजिए। निवेदिता, मैंने सुना प्रमोशन की खुशी में तुम पार्टी कर रही हो। हम लोग तो अभी तक ऑफिस में हैं, काम ही कर रहे हैं। तुम्हारी डिजाइन्स के अप्रूवल कब से पेंडिंग है? तुम हो कहाँ? ठीक है, मैं भेजती हूँ। भैया गोरेगांव ले लीजिए।
कौन इसे पहन के इतना तेज भागेगा कि ये जूते घिस जाए। मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक हो जाओगे? मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके ओके, मैं क्रिकेट खेलूंगा, बास्केटबॉल और बैडमिंटन भी, और फिर मैं लखनऊ जाऊंगा और आपके बचपन के वो अमरूद वाले पेड़ पे चढ़ूंगा। आप ठीक नहीं हुई अभी तक? ये क्या है? माँ, आई प्रॉमिस कि मैं डॉक्टर से बात करूंगा कि वो कोई कम कड़वी दवा दे दे आपको, लेकिन प्लीज दवा खा लो। मुझे नहीं खानी है दवाई, सुबह तो खाई थी, मुँह का टेस्ट बिगड़ जाता है एकदम। I understand, लेकिन आज का खा लो ताकि परसों ना खाना पड़े। सिर्फ दो दिन का डोज है, दो दिन में आप ठीक हो जाओगे, प्लीज। ठीक किसको होना है? मतलब? I like the attention. तू सब छोड़ छाड़ के आ गया है मेरे पास। ठीक हो जाऊंगी तो तू वापस काम पे चला जाएगा। गुस्सा करना चाहिए आप पे, लेकिन क्या करूँ इस क्यूटनेस का। माँ, अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो आप गप्पे मारते रहेंगे, और आपको रेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज खा लीजिए। क्या? वेरी गुड। ये लीजिए। थैंक यू। मन खराब हो गया एकदम। सिर्फ 10 मिनट, अभी वीक है वो। हमारा एनर्जी सेवर मोड चल रहा है। सॉरी क्यों बंदर? मैंने आपको डरा दिया था सना। कुनी माँ को डरा दिया? लॉलीपॉप छोड़ा ना हमने उनके पास। मामा, मैं डर गया था कि गेम ओवर जैसा लग रहा था। बाकी जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो ऐसा लगता है ना गेम ओवर हो गया, लेकिन फिर प्लेयर को मैजिक पावर मिलती है, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, गेम रीस्टार्ट हो जाती है, गेम ओवर नहीं हुई है। मैजिक ट्रीटमेंट में दर्द तो नहीं होता ना? सिर्फ मैजिक होगा। आप कहीं मत जाना, आप यही रहना मेरे पास। डॉक्टर अंकल मुझे बहुत इंजेक्शन, पाइप्स,
bad decisions the kitne saare nahi log the yaar sab bhag rahe the doctor girls yelling at them main dar gaya tha मेरा बंदर तो कितना स्ट्रॉन्ग है यार, वो डरपोक थोड़ी है, डरना नहीं। मम्मा, सब एंडेड सीखते सा लग रहा था, कहीं नहीं मिल रहे थे। मम्मा तो अपने बंदर के पास ही थी, यही थी। मैजिक ट्रीटमेंट इतना आसान थोड़ी होता है। आधी रेसिपी डॉक्टर अंकल के पास है, आधी मम्मा के पास है। मम्मा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो हर जगह मैं आपके साथ ही आऊंगा, अकेला नहीं रहना चाहता। अच्छा मंकी, और जब मेरे मंकी की गर्लफ्रेंड बनेगी फिर और किंग कोहली का क्या होगा? एंड स्कूल? लेकिन मम्मा, आपके बिना मेरा क्या होगा? आइस पर देखो, मम्मा आपके पास है ना, आपको दिखे या ना दिखे मम्मा तो अपने बंदर के साथ ही होती। प्रॉमिस। अलेक्स। अरे। मंकी। मम्मा और आरव तो एक दूसरे की ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन का अनलिमिटेड सप्लाई भगवान जी देते हैं, है ना? मम्मा है तो आरव है, आरव है तो मम्मा है, मम्मा आरव है तो मैजिक है। कथा, कहाँ है तू? मैं आरव के पास हूँ, वो बहुत डरा हुआ है यार। कोई बात नहीं, तू है ना उसके पास। मुझे ये बता, पैसों का कुछ हुआ? नहीं। अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है, मैं आके बताती हूँ। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।